गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जवाब नहीं देता ऐसे गुड मॉर्निंग का। गुड मॉर्निंग सब लोग। चलिए ठीक है, आ गया जवाब। कल हम आपको दिन तारीख निकालना बताए थे, आज वर्ल्ड मैप आपका खत्म कर देंगे, इंडियन मैप स्टार्ट हो जाएगा। कल आपका इंडियन मैप का फर्स्ट क्लास दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, हम आपको बोलते हैं। एक सवाल लिखिएगा, हम आपको बोलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आ तो क्वेश्चन लिखेंगे। मिस्र की राजधानी का हीरा, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। किस डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है? किस डिग्री पूर्वी देशांतर पर है? क्वेश्चन लिखिएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा। ज्योग्राफी वनडे से लाइव है कि नहीं सर? क्या पागल वाला बात बोलते हैं श्रीकांत। श्रीकांत जी का कहना है सर लाइव है कि नहीं, जिंदा है यार हम। पूछता है लाइव है कि नहीं, आई एम लाइव। क्वेश्चन लिखे, लिख लिए हैं। मिस्र की राजधानी, देखिए क्या लिखे हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। मिस्र की राजधानी काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। क्वेश्चन लिखो यार जल्दी। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, जबकि गिनी 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। गिनी का आपको टाइम बताना है, गिनी का टाइम बताएं, गिनी का टाइम बताएं, गिनी का टाइम बताएं, यदि गिनी का टाइम बताएं, यदि गिनी का टाइम बताएं, यदि काहिरा में 1 बज रहा हो, दोपहर का 1 बज रहा है, 1 PM हो रहा है, तो गिनी का टाइम बताएंगे, गिनी का टाइम बताइए फटाफट, जल्दी 2 मिनट में खटाखट। आप लोग जल्दी आंसर निकालिए, एक फिगर ड्रॉ कीजिए कि पश्चिमी देशांतर किधर होगा, पूर्वी देशांतर किधर होगा। एम पीएम कुछ बोलोगे लोग भाई? केवल दो तीन लिख दोगे तो घड़ी में तो 2 बार तो बस। दस एम भाई, गलत होगा तो हम फिर पीटेंगे। नहीं निकल रहा है, देखो भैया यहाँ देखो कैसे निकलेगा। एक ये हमने गोला बना दिया, ये तो हो गई 0 डिग्री। अब जो भैया काहिरा है मिस्र की राजधानी, वो 30 डिग्री ईस्टर्न साइड में है, हमें एक तो ड्रॉ करना पड़ेगा पूर्वी साइड में 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री, जबकि दूसरा देश है गिनी, ये 15 डिग्री पश्चिम की ओर है, 15 डिग्री पश्चिम की ओर है। अब आप बताइए इन दोनों में अंतर कितने का होगा, दोनों में देशांतर का अंतर कितने का होगा? स्टेप फर्स्ट, देशांतर का अंतर देशांतर में अंतर, देशांतर में अंतर बटा 4, देशांतर में कितने डिग्री का अंतर आएगा बताइए। कुछ लोगों का कहना है 15 डिग्री। कैसे 15 डिग्री भैया? उन दोनों के बीच का गैप एक ही डायरेक्शन में रहेगा। देखिए अगर एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब कभी भी एक ही डायरेक्शन में रहे तब आपको इसको क्या कर देना है, घटाना है। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में ना रह के अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देशांतर में अंतर कितने डिग्री का है भैया? देशांतर में अंतर आएगा 15 प्लस 30, 15 प्लस 30 45 डिग्री का अंतर आएगा, बटा 4 भाग देंगे तो कितनी, कौ चौक को 15,
जोड़ के ना निकलेगा, 100 चौको 15 आएगा, दशमलव में आ जाएगा, जोड़िए तो आ गया। क्या बजेगा भैया? साढ़े में बज रहा है, पंद्रह से भाग देना, हमने चार से भाग दे दिया है, ठीक है ध्यान से, पंद्रह से भाग देना है, पंद्रह से इसमें भाग देंगे, 15 डिग्री से ना भाग दिया जाता है, 15 से भाग देंगे कितने घंटे आएगा, 3 घंटा, कितना घंटा, 3 घंटा, 15 से भाग देना था हमने, वहां गलती से 4 घंटा, 3 घंटे का अंतर, 3 घंटे का अंतर होगा। अब आप बताएंगे ये टाइमिंग किसका दे रखा है, काहिरा का दे रखा है, किसका टाइमिंग दे रखा है बाबू, काहिरा का टाइमिंग दे रखा है। जब इसने काहिरा का टाइमिंग दे रखा है तो आप बताएंगे गिनी का टाइम आगे होगा कि पीछे होगा, गिनी का टाइम, गिनी का टाइम कितना होगा, पीछे होगा, क्या होगा, पीछे होगा, कितना पीछे होगा, 3 घंटा पीछे, 3 घंटा पीछे, कितना बज रहा है, 1 PM बज रहा है, इसमें से 3 घंटा पीछे कीजिएगा तो ये बच जाएगा 10, कितना बच जाएगा 10, और ये हो जाएगा AM, कितना आएगा 10 AM, कितना आ जाएगा 10 AM, कितना होगा भैया 10 AM हो जाएगा। होगा 10 AM। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, अब मुजबानी आंसर दीजिए, आपको दो शहर हम दे रहे हैं, एक शहर ए है एक शहर बी है, एक शहर ए है एक शहर बी है, एक है 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर और दूसरा शहर है 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अगर यहाँ पर बज रहा है 11 AM सुबह का तो यहाँ का टाइमिंग क्या होगा, यहाँ का टाइमिंग क्या, बताइए एक बजेगा दो बजेगा देखो भैया, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, 0 डिग्री इनको खींच लेते हैं कि सब कौन किधर है 0 डिग्री में, एक 70 डिग्री पश्चिम साइड में, तो एक 70 डिग्री पश्चिम साइड में बना दिए सर, 70 पश्चिम साइड, दूसरा भी पश्चिम में ही है बट ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने का है भैया, घटा लीजिए कितने डिग्री का है देशांतर में अंतर, स्टेप फर्स्ट, देशांतर में अंतर, देशांतर का बटा में 15, देशांतर का अंतर कितने डिग्री का आएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो घटा दीजिए, 70 में से 40 गया 30, 15 काट देंगे तो 2 घंटे का अंतर आएगा, 2 घंटे का अंतर आएगा। स्टेप टू सर खत्म, स्टेप टू, स्टेप टू में समय निकालना किसका है, देखो भैया 40 डिग्री वाले का निकालना है, इसका निकालना है, क्या रहेगा आगे रहेगा, क्या रहेगा आगे रहेगा, ये जो पूरब होता है उसका निकालना है, ये 40 डिग्री वाले का पूछ रहा है, तो ये क्या रहेगा आगे रहेगा, कितना घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा आगे रहेगा। भैया इसमें टाइमिंग कितनी हो रही है, 11 बज रहा है प्लस 2 घंटा, 11 में 1-2 घंटा जोड़िएगा तो 12, 1 बज जाएगा, और ये AM से बन जाएगा PM।
एम से क्या बन जाएगा, पीएम। एक पीएम ना हो गया भैया, नौ काहे बजा दिया, घसका के पीछे क्यों लेके चले। जो पूरब होता है उसका टाइम आगे रहता है। अब दे क्वेश्चन बना लेंगे, बनाइए। देखते हैं कितना लोग बना सकते हैं। एक शहर ए है जो 15 डिग्री वेस्ट में है, एक शहर बी है एक सौ 35 डिग्री ईस्ट में है। पर यहाँ का टाइमिंग 11 PM हो रहा है, यहाँ का टाइमिंग क्या होगा? मिनट में निकालना है तो 4 से भाग दे दीजिएगा, मिनट में निकाल। छह बज गया या 3 बज गया, जल्दी बजाइए, नहीं तो हम आपका 12 बजा देंगे। कोई 6 बजा रहा है, कोई 3 बजा रहा है, इसका जो मर्जी वो बजा रहा है। भैया एक है 15 डिग्री पश्चिम में, 15 डिग्री पश्चिम में ये ले गया 15 डिग्री, ये 0 डिग्री के पास में ही कहीं होगा तो ये हो गया 15 डिग्री, मैं लिख दिया 15 डिग्री पश्चिम में। दूसरा 135 डिग्री पूरब में है, 135 डिग्री पूरब में। अब दोनों का डिस्टेंस जोड़ लीजिए कितना है, दोनों अलग अलग है तो जोड़ लीजिए। तो स्टेप नंबर वन, देशांतर में अंतर बटा 15, देशांतर में अंतर बटा में 15। देशांतर में अंतर कितना है, 135, 135 इस साइड में, 15 उस साइड में, 150, 150 डिग्री का अंतर बटा 15, भाग देंगे तो 10 घंटे का अंतर आएगा, 10 घंटा का अंतर आएगा। हो गया। अब स्टेप नंबर टू, बस ये दिखाना है कि आगे है कि पीछे है, टाइम कहाँ का दिया है। टाइम दे रखा है 15 135, यहाँ वाला दे रहा है। अब पूछना हमको कहाँ है, 15 डिग्री वाले पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है ना। तो भैया ये वाला क्या रहेगा, पीछे, तो बी वाला स्थान क्या रहेगा, पीछे। कौन पीछे रहेगा, ए वाला स्थान रहेगा, ए पीछे रहेगा, ए का टाइम क्या रहेगा, पीछे, क्योंकि यही पूछ रहा है। जो पूछ रहा है उसी का डिसाइड कर रहे हैं आगे है कि पीछे। तो ए का है पीछे क्योंकि पश्चिम में, ए पीछे कितना घंटा, 10 घंटा, 10 घंटा पीछे रहेगा। भाई साहब किसके तुलना में 10 घंटा, यहाँ 11 बज रहा है, 11 PM हो रहा है, -10 घंटा, 11 11 बज रहा है, 10 घंटा घटाएंगे तो कितना बचेगा, हाँ 11 बजे रात है, 10 घंटा कम करेंगे तो दोपहर का 1 बज जाएगा, दोपहर का 1 बज जाएगा। 120 का डिफरेंस कैसे आएगा बाबू? देखो जब दोनों चीजें, जब दोनों स्थान एक ही गोलार्ध में हो, चाहे वो दोनों स्थान पूर्वी में हो चाहे वो दोनों स्थान पश्चिमी में हो, जब दोनों स्थान एक ही में हो तो अंतर निकालने के लिए हम घटा देते हैं, अंतर निकालने के लिए हम घटा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक पश्चिमी गोलार्ध में हो एक पूर्वी गोलार्ध में हो तो अंतर निकालने के लिए जोड़ देते हैं। अंतर यहाँ कहने का सेंस है दोनों के बीच का डिस्टेंस, समझे। एक कैसे भैया, 1 बज हम कैसे होगा, 10 घंटा घटाएंगे, 12 घंटा घटाएंगे तब नहीं हम होगा। रात का 11 AM यानी रात को कितना बज रहा है, 11 बज रहा है, 10 घंटा पहले तो दोपहर का 1 बज रहा होगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा।
हो गया क्लियर क्लियर क्लियर। अब आप अपने पेज का अपने नक्शा में पेज खोलिए, आप अपने नक्शा में एटलस खोलिए, उसमें खोलिए आप एशिया, ऑक्सफोर्ड है आपका, एशिया खोलिए, ऑक्सफोर्ड में एशिया पेज खोलिए एशिया का। खोलिए भैया खोलिए जल्दी। हाँ समझ में नहीं आ रहा है, पिछला क्लास देखिएगा समझ में आ जाएगा। जल्दी खोलिए भैया, खोलिए यस सर, ओपन हो गया। उसमें देखिए स्केल लिखा होगा ऊपर की ओर, जहां पेज बना है ना वहां पे पेज के ऊपर देखिए इसकी स्केल बना होगा, जैसे हम आपको यहां दिखा देते हैं। देखो भाई जैसे यहां एक स्केल बना है ना, वैसे ऊपर में आपको यहां एक स्केल बना होगा, आधा ऐसे पेंट किया होगा काले रंग से, फिर सफेद रंग से, ऐसे काला फिर सफेद, काला सफेद इस टाइप का पेंट किया है। देखिए उसमें कुछ लिखा होगा, कितना कितने किलोमीटर पर बनाया हुआ है इस, देखिए तो कोना में स्केल बनाया है, कितने किलोमीटर का स्केल है एशिया में। ग्रे एंड व्हाइट बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रे एंड व्हाइट बना होगा कोना में, देखिए जहां आपके पेज का ज्वाइंट हो रहा होगा वहीं पे बनाया होगा। बेवकूफ एटलस का पेज खोलो, एटलस है वहां, कोई भी किताब दीजिए ना। कितना दे रखा है भैया, 500 किलोमीटर, 0.5। देखिए ये किताब है, इसे यहां पे लिखा होगा, यहां पर मतलब वो बता रहा है कि 1 किलोमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है। एक लिखा होगा 0.5, एक 500, 1000, 1500 लिखा है इस कोने पे, यहाँ लिखा होगा, मेटेरियल में नहीं यार एटलस में लिखा होगा। वो बताता है कि अगर नक्शा पे अगर आपने 1 सेंटीमीटर चल दिया, नक्शा पर 1 सेंटीमीटर चल दिए, तो आप कितनी दूरी तय कर लेंगे, आप कितनी दूरी तय कर लेंगे, मिल गया। चलिए आप सब लोग इंडिया का नक्शा खोलेंगे, सारे लोग इंडिया का नक्शा खोलिए और बताइए आपके नक्शा में इंडिया का कितना स्केल है। इंडिया के नक्शा में अगर आप 1 सेंटीमीटर चले गए तो कितना किलोमीटर जाएंगे, आप सब लोग इंडिया का नक्शा खोलिए, आप सभी लोग इंडिया का नक्शा खोलिए। एक सौ पैंसठ किलोमीटर 165 किलोमीटर, ठीक है। यानी अगर आप 1:2 ये लिख रहा होगा ऐसे, 1:165 मतलब 1 सेंटीमीटर 165 किलोमीटर के बराबर है, नहीं तो वो इस तरह से लिखेगा, स्केल बना देगा, यहाँ लिखेगा 0, यहाँ 165, यहाँ 330, 0, 165, 165 में फिर जोड़िएगा तो 330, मतलब पहला बस स्केल पढ़ा जाता है कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, 165 किलोमीटर। किसी का 175 है तो किसी का 140 है, केवल पहला देखा जाता है, जीरो से कहाँ तक गया, जीरो से कहाँ तक गया,
जीरो से कहाँ तक गया। जैसे हम आपको इस मैप का स्केल बताते हैं, देखिए जो मेरे पास ये स्केल बना हुआ है, ये मैप बना हुआ है, हम आपको इस मैप का स्केल बताते हैं। ये आपको अपने से याद नहीं रखना है, ये कंपनी बना के देती है। ये कंपनी क्या करती है भैया, बना के देती है, ये कंपनी बना के देती है। इसका स्केल है 1000, इसका स्केल है 1000 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 1000 किलोमीटर का। इसका स्केल कितना है? 1000 किलोमीटर का। यानी अगर हमने यहाँ ऐसे एक लाइन खींच दिया 1 सेंटीमीटर का, मतलब हमने कितनी दूरी तय कर दी? 1000 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर दी? 1000 किलोमीटर की। तो इसका मतलब आप आराम से पता कर सकते हैं किस में कितनी दूरी है। आप बस सेंटीमीटर से नाप लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्या करेगा? पता चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आप एक बार यहाँ आ जाइए। क्या गिरा जी? ये 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? 0 डिग्री। क्या समझिए? बहुत दिक्कत है। अरे बेवकूफ, क्या दिक्कत है तुमको? स्केल देखने में तुम्हें दिक्कत हो रहा है? इंडिया का मैप कब से स्टार्ट होगा? कल से। कल 10 बजे आपको इंडिया का मैप दे देंगे। कल 10 बजे आप इंडिया का मैप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी रहता है, मंडे से आगे का क्लास। कल 10 बजे आप लोग मैप पढ़ लेंगे इंडिया का। देखिए ये जो नक्शा है, इसमें एक 0 डिग्री होता है। ये 0 डिग्री जो होता है वो इंग्लैंड के पास से गुजरता है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से, जिसलिए उसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो पूरी दुनिया के लिए समय का निर्धारण कहाँ से करना उचित रहता है? GMT से करना होता है, क्योंकि ये पूरे दुनिया का एक कॉमन टाइम है। ये हमारा ग्रीनविच मीन टाइम। कौन सा है? ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये जो एक है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का समय किस रेखा से डिसाइड किया जाता है? 0 डिग्री से किया जाता है या 182 से किया जाता है? भारत का समय किससे निर्धारण किया जाता है? GMT से किया जाता है। GMT मतलब क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच एक शहर का नाम है जो इंग्लैंड में है, वो पूरे दुनिया का मीन मतलब एवरेज टाइमिंग है, तो इसलिए GMT कहता है ग्रीनविच मीन टाइम। हम लोग किससे निकालते हैं? ग्रीनविच से या 182.5? हम लोग किससे निकालते हैं? 182 से निकालते हैं। तो इसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 182.5, 182 नहीं जी, मतलब तो क्या बोल दिए, 182.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 182 नहीं है, 182 नहीं है, 82.5 डिग्री है। इसे क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप में से देखिए ये कहाँ से जाती है? तो भैया इलाहाबाद के नैनी से जाती है। और कहाँ से जाती है? जौनपुर से जाती है। लेकिन सबसे जो जरूरी है वो है आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर से जाती है, मिर्जापुर। ये तीनों शहर से गुजरती है 182 डिग्री, 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूरी दुनिया के लिए कॉमन टाइम कौन सा हो जाता है? 0 डिग्री। पूरी दुनिया के लिए कॉमन टाइम कौन सा हो जाता है? 0 डिग्री। पूरी दुनिया के लिए कॉमन टाइम कौन सा हो जाता है भैया? 0 डिग्री। पूरी दुनिया के लिए कॉमन टाइम हो गया 0 डिग्री। आगे बढ़ जाए, 182 डिग्री। अब देखते हैं 180 डिग्री। भैया 180 डिग्री के बताइए तो, अगर हम 180 डिग्री घूम जाए तो कितने घंटे का अंतर आ जाएगा? घंटा में अंतर निकालने के लिए 15 से भाग दे देंगे, भाग दीजिए कितना निकलेगा? 12 घंटा आएगा। कितना आ रहा है? 12 घंटा। तो ये साइड वाली लाइन जो होती है इसे कहते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिए मेरी ओर, जो 0 डिग्री देशांतर है और हमारा जो है 82.5 डिग्री जो देशांतर है, 82.5 डिग्री, और पूरी दुनिया के लिए 180 डिग्री जो देशांतर,
इसमें कई अंतर है। 0 डिग्री देशांतर को हम कहते हैं प्रधान देशांतर, प्रधान याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच मीन टाइम। पूरी दुनिया के लिए ये क्या करता है, टाइम का डिसाइड करता है, इसी के तुलना में टाइम डिसाइड किया जाता है, हमारा समय आगे या पीछे। कितने लोग बता सकते हैं कि भारत का टाइम आगे है, भारत का टाइम आगे होगा या जीएमटी का टाइम आगे होगा? कितने लोग ये बता सकते हैं भारत का टाइम आगे होगा या जीएमटी का वाला आगे होगा? हो गया, भारत का टाइम आगे होगा, कितना घंटा आगे होगा? 5.5 घंटा आगे है, हमारी टाइमिंग 5.5 घंटा आगे है। ये तो टाइमिंग निकालने हो गया। ये हमारा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। बताइए तो पूरी दुनिया में डेट का डिसाइड कौन कौन सी रेखा से होता है, 0 डिग्री या 180 डिग्री? तो 180 डिग्री को हम डेट लाइन कहते हैं, 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, डेट लाइन, 180 डिग्री को डेट लाइन कहते हैं। समझ में आ गया, डेट लाइन, IST लाइन सब समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग स्केल देखते हैं। इसी नक्शे में 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, ये देखने के लिए आप उस नक्शे के नीचे में बने स्केल, इस कोने में बने स्केल, वो चारों कोना में से किसी ना किसी एक कोना पर स्केल बनाया रहेगा, वो किसी ना किसी, वो किसी ना किसी एक कोने पर आपको क्या बनाया रहेगा, किसी ना किसी एक कोने पर स्केल बनाया रहेगा, आप उस स्केल से बता सकते हैं। अब दो तरह के नक्शा होते हैं, एक होता है लार्ज स्केल मैप, एक होता है इसका स्मॉल स्केल मैप। देखिए बाबू ध्यान से, आप अगर गौर कीजिएगा मेरी ओर, तो जितना एरिया ये है ये बॉक्स का है, उतना ही एरिया इस बॉक्स का है। लेकिन देखिए जितना लंबा ये बॉक्स लंबा चौड़ा है, उतना ही लंबा ये बॉक्स लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया को दिखा दिया गया है, पूरी दुनिया को दिखा दिया गया है, और उतना ही दूरिया में केवल दिल्ली को दिखाया गया है। तो जब कभी भी बहुत ही बड़े एरिया को दिखाया जाए, बहुत ही बड़े एरिया को दिखाया जाए, तो उसको लार्ज मत बोलिएगा, उल्टा बोलिएगा। बड़े एरिया को दिखाने के लिए स्मॉल स्केल मैप, बड़े एरिया को दिखाने के लिए स्मॉल स्केल मैप, बड़े एरिया को दिखाने के लिए स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप किसको दिखाता है, बड़े एरिया को या छोटे एरिया को? स्मॉल स्केल मैप बड़े एरिया को दिखाता है कि छोटे एरिया को? उल्टा याद रखेंगे, बड़ा एरिया है तो स्मॉल स्केल, किसी छोटे एरिया को दिखाना है, किसी छोटे एरिया को दिखाना है तो लार्ज स्केल मैप, किसी छोटे एरिया को दिखाना है तो लार्ज स्केल मैप, किसी छोटे एरिया को दिखाना है तो लार्ज स्केल मैप, छोटे एरिया को दिखाना है तो लार्ज स्केल मैप, बड़े एरिया को दिखाना है तो स्मॉल स्केल मैप। यानी इसमें आपको बोलना कैसे है, तो उल्टा बोलना है। अच्छी, अपोजिट बोलना है, क्या बोलना है, अपोजिट बोलना है। पूरी दुनिया को हम किस नक्शे में दिखाएंगे, या किसी पूरे महाद्वीप को किस नक्शे में दिखाएंगे, पूरे देश को किस नक्शे में दिखाएंगे, तो उसे दिखाएंगे स्मॉल स्केल मैप में। लेकिन किसी शहर को दिखाना है, दिल्ली को दिखाना है, मुंबई को दिखाना है, किसी मोहल्ले को दिखाना है, तो वो कौन सा मैप हो जाएगा भैया, लार्ज स्केल में। छोटका चीज दिखेगा लार्ज स्केल में, बड़का चीज दिखेगा स्मॉल स्केल में, दोनों कैसा रहता है, अपोजिट, कैसा रहेगा, अपोजिट, अपोजिट। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, लड़का देखते हैं बता पाते हैं या नहीं बता पाते। रेडी हैं, पूछें, रेडी हैं, पूछें, पूछें।
जी गुरु जी, ओके रेडी हैं, रेडी हैं, कंफर्म रेडी हैं। आप बताइएगा, स्मॉल स्केल मैप या लार्ज स्केल मैप में वह कौन सा ऐसा मैप है जिसमें बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं, जानकारी बहुत सारी दी गई रहती है। किस नक्शा में जानकारी बहुत सारी रहती है, डिटेल्स ज्यादा रहते हैं, किस में डिटेल्स ज्यादा रहते हैं, किस मैप में डिटेल्स ज्यादा रहते हैं? आधा लार्ज बोलता है, आधा स्मॉल बोलता है, आधा लार्ज आधा स्मॉल। देखो भैया, डिटेल्स ज्यादा रहती हैं लार्ज स्केल में, कैसे? देखिए, लार्ज स्केल में डिटेल ज्यादा रहती हैं क्योंकि लार्ज स्केल जूम करके दिखाया रहता है। यहाँ आपको दिल्ली का गली मोहल्ला कुची सड़क सब मिल जाएगा, सड़क वगैरह सब मिल जाएगा। यहाँ दिल्ली की जगह को बिंदु बना देगा, जहाँ दिल्ली हो गया। तो देखिए, स्मॉल स्केल मैप बड़े एरिया को दर्शाता है लेकिन उसमें डिटेल जानकारी नहीं दे पाता है। लार्ज स्केल एक छोटे से एरिया को बहुत बड़ा चौड़ा देता है और उसमें डिटेल जानकारियां भर के ठूस देता है, डिटेल जानकारियां भर के ठूस देता है। दोनों में आई होप आप अंतर समझ गए। आप ऐसे देखिए, दिल्ली की जानकारी ज्यादा चाहिए तो इसमें दिल्ली में क्या जानकारी मिलेगा, कौन सड़क कहाँ है? सोच रहा इंडिया इतनी चुकी है, इतना में इंडिया हट गया। इसमें देखिए, इतना बड़ा एरिया में दिल्ली है। हो गया, हो गया। क्लास कल मिलेगा आप लोगों को, कल पटना में सुबह वाला क्लास बंद है, बहुत ज्यादा हो गया था पटना में क्लास बंद। ये समझ में आ गया? आप लोग अब सूचना सुनिए, आप लोग का वर्ल्ड मैप कंप्लीट, आप लोग का वर्ल्ड मैप कंप्लीट। अब आपको इंडियन मैप कल से पढ़ना है सुबह 10 बजे। वर्ल्ड मैप कंप्लीट ये बैच, अब टाइम कोई बैच नहीं रहेगा आपका, सर्वर में जगह नहीं था इसलिए इसी को उठा के हम कहाँ लेके जाएंगे, वर्ल्ड इंडियन मैप के पास। ठीक है, वर्ल्ड मैप कंप्लीट आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन मैप में घुसा दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है लड़कों को रखने की। समझ में आ गया? नो एडमिशन, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ डाल दिया जाएगा, 10 बजे। ठीक है, आप कल 10 बजे क्या पढ़ेंगे, कल 10 बजे आप क्या पढ़ेंगे, इंडियन मैप का पहला क्लास। तो कल केवल रिकॉर्डेड रहेगा लेकिन से लाइव रहेगा, तो केवल कल के दिन रिकॉर्डेड रहेगा, मंडे लाइव हो जाएगा। ठीक है, आपका मर्जी, हम आपको कल 10 बजे यहां से क्लास दे देंगे, इंडियन मैप का फर्स्ट क्लास। बाकी इंडियन मैप के सेकंड क्लास से आप लाइव पढ़ेंगे सुबह 10 बजे। किसी को कोई शक, दिनायक, खजुआट, कोई दिक्कत नहीं। अब आप पूछिएगा कि सर ये जो टाइम खाली होगा उसका क्या करेंगे? भाई साहब, इसी पे तो जो सर्वर खाली होगा तो ज्योग्राफी वालों को इससे हटा देंगे, वरना ज्योग्राफी वाले तो ये परेशान है, जिसका ज्योग्राफी वाले बहुत परेशान है, जगह खाली होगा उसको कहाँ हटा देंगे, ज्योग्राफी में। कोई दिक्कत नहीं। और मंगलवार से आप लोग का क्या चालू हो जाएगा भैया, ज्योग्राफी बायोलॉजी का क्लास। आगे का क्लास अब मंड कल 10 बजे आप लोग नक्शा पढ़िएगा इंडिया का, बस। अब बहुत आपका सारा क्लास टाइम से हो जाएगा, 8 से 9 बहुत जल्दी बायोलॉजी आ जाएगा, 9 से 10, 10 से 11 नक्शा, 12 बजे। चलिए अब कल करेंगे, ठीक है।